आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दूं आज 10 नवंबर यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे। ट्रांसपोर्ट डे की क्या एक इम्पोर्टेंस है और ट्रांसपोर्टर्स आज किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किस तरह का उनका रोल रहता है आम जीवन में, उनसे बातचीत करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम विजय डोगरा। विजय जी मुझे बताइए, सबसे पहले आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या एक इम्पोर्टेंस रहती है ट्रांसपोर्टर्स की? सबसे पहले तो मैं आज जो ट्रांसपोर्ट डे है जम्मू कश्मीर वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हालांकि अब सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या है, जैसे हम लोकल लोग हैं जिनके पास गाड़ियाँ अपनी नहीं है, हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनको हर सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे टूरिज्म की हो, चाहे लोकल कटरा की हो, हर सर्विस हम लोग अलाउ करते हैं। आज हम थोड़ा जो ट्रांसपोर्ट डे बनाने का जो हमारा मन था उस हिसाब से हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से, जो महामारी की वजह से जो सारा प्रकोप है वो हम लोगों पे पड़ा है, खास करके टैक्सी ड्राइवरों के लिए। तो हम ये आज के दिन गवर्नमेंट से फिर से अपील, हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं। पहला नंबर तो मैं जो अपनी मीडिया जो यंग बाइट्स है, आज पहला मेरे हिसाब से जो जम्मू में पहली मीडिया है जो आज हमारे पास इस प्रोग्राम को लेके आई है और हर मुश्किल समय में वो हमारे पास आती रही है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यंग बाइट्स का। तो दूसरा नंबर यह कि गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं या टैक्सी की कोई भी, जो इस वक्त कोरोना की महामारी से हमें कोई लाभ नहीं मिला है, तो हम ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी सपोर्ट की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको लगती है आम जीवन में? हमारे कहने का मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को हर एक किस्म का टैक्स दे रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट हमारी हर किस्म का टैक्स हमारे पे लागू होता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, ना ही गवर्नमेंट का कोई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ना कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, किसी भी किस्म का सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोग फुटपाथ पे आ गए हैं इस वक्त, जो हमारी जो कंडीशन वक्त हालात है ट्रांसपोर्टरों की, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, सबको मालूम है ये, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए हमारे साथ कोई मिलजुल के अपना योगदान दे रहे हैं, जरूरत है गवर्नमेंट की योगदान। हाँ, गवर्नमेंट हम अपना योगदान पूरा बराबर दे रहे हैं, कहीं भी जरूरत पड़ती है आर्मी को, पुलिस को, हमारी गाड़ियों की, हम हर जगह लेके जाते हैं। सिविल को कहीं पानी चढ़ गया था उस वक्त भी हम लोगों ने अपनी गाड़ियों पे फ्री लोगों को छोड़ा जाके कश्मीर यहाँ लंगर तक खिलाए, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ये काम करते हैं। और इनका कहना है कि हम अपने जिम्मेवार नागरिक होने का भी, जिम्मेवार ट्रांसपोर्टर होने का भी फर्ज अदा करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा भी कुछ इन्हें मदद चाहिए। इसके साथ और भी हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। गुरमीत जी मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर आप? मैम आज के दिन को हम ट्रांसपोर्ट को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन जो आज के हालात चल रहे हैं उस हालात को देख के मुझे नहीं लगता कि हम इस दिन को कोई सेलिब्रेट करना चाहेंगे, क्योंकि जो हालात आजकल बने हुए हैं 8 महीने से हमारी गाड़ियों को कोई पता नहीं है, जो बैंक की इन्होंने बोला था कि 4 महीने, गवर्नमेंट ने बोला था 4 महीने हम आपको जो आपकी किस्तें हैं बैंकों की वो आगे बढ़ा देंगे, लेकिन हमें बैंक वाले अभी भी बोल रहे हैं आपका जो किस्तों पर ड्यू चल रहा है उसके ऊपर भी हमें टैक्स लगा रहे हैं। हम कहाँ जाएँ बताओ, हमारी 3-3 महीने की पहले भी हमारे अकाउंट में जो सेविंग थी उसमें से हमारी 3-3 महीने की किस्तें इन्होंने इंस्टॉलमेंट काट दी, 3-3 महीने की इंस्टॉलमेंट काटने के बाद भी हमें अभी भी जो है कि अभी भी बोल रहे हैं कि आप जो आपका ड्यू चल रहा है आप उसको भरो, नहीं तो आपको उसके ऊपर और ड्यू चलेगा, हमारा काम तो बिल्कुल ठप हो गया। तो क्या मांग क्या करते हैं आज के दिन? क्या अपील? हम गवर्नमेंट से नाराज़ हैं, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट जो चल रही है टैक्सी के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि इनको, इन बेचारों को भी काम धंधा है, इनको भी थोड़ा बहुत जो बैंकों को थोड़ा बहुत करके थोड़ा कोऑपरेट करें हमारे साथ, लेकिन बैंक हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। टैक्स जो टैक्स है, जो अपने हमारा टोकन टैक्स है, अभी देखो कोरोना चल रहा था, अभी इनको नहीं चाहिए था कि हमारे टोकन टैक्स जो है वो डबल कर दें, हमारे टोकन टैक्स डबल हो गए, गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं, हम कैसे भरेंगे? प्रॉब्लम जो है आपको भी आ रही है, साथ साथ हमारे कुछ और भी ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं। जी आपका नाम? जी गुरविंदर सिंह जी। गुरविंदर जी मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे, एक ट्रांसपोर्टर्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है आम जीवन में, आज किस तरह से आप? सबसे पहले देश को चलाने के लिए तो मेन रोल जो है ट्रांसपोर्ट का ही रहा है, चक्के चलेंगे तो तभी देश चल पाएगा, हमारी गाड़ी में चक्के ही खड़े हो जाएंगे तो देश कैसे चल पाएगा। इस कारण जो महामारी के दौरान जो हताशा हम लोगों को मिली है, हमें गवर्नमेंट से इतनी अपेक्षा नहीं थी, गवर्नमेंट आई थी नहीं, हमें अपेक्षा थी कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोचेगी, कुछ करेगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट ठप की ठप हो गई, हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन जो है, एक तो हमारी इंश्योरेंस जो है दिन ब दिन
हर साल मतलब बढ़ती जा रही है, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, टोल प्लाजा जगह जगह लग रहे हैं, टोल प्लाजा हर एक चीज़ मतलब बढ़ती जा रही है, कंजक्शन किसी पे नहीं है, फेयर जो है गाड़ियों के वहीं हैं, स्टिल हैं, तेल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कंसेशन या रिलेक्शन ट्रांसपोर्ट नहीं महसूस कर रही, जिस कारण बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्ट जो एक माध्यम से देखे आज के दौर में जीरो होती जा रही है। आज के दिन एक अपील और करना चाहता हूँ गवर्नमेंट के सिर्फ, क्योंकि हमें अब जो हमारा परेशानी है वो आम लेवल पे गवर्नमेंट के कानों तक नहीं पहुंचती। हम सोचते हैं कि आज के दिन एक गवर्नमेंट से ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहिए, एक हमारा एक आईटी सेल बनाया जाए। आईटी सेल वो होना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्टर का है या कुछ है वो बैठ के अपने हाँ, जो पर्सनली जो डेली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, और वो हम चाहते हैं कि आईटी सेल ऐसा बनाया जाए वो मेंबर जोड़ के गवर्नमेंट को बैठ के हमारे साथ बैठ के जो भी दिक्कतें हमारी आती है वो सुने, हम भी उनको सुनाएं वो भी हमारी सुने, हम भी कॉपरेट करें वो भी हमारे साथ कॉपरेट करें। ऐसा नहीं है कि हम रोज रोड पे आके स्ट्राइक करें, हम ये चाहते नहीं है कि हम रोड पे आए। धन्यवाद। तो साफ तौर से आज जिस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे है, क्या इंपॉर्टेंस एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रहती है, सब इस सच्चाई से आप सभी बखूबी रूबरू हैं। लेकिन साथ ही साथ आज हमने कुछ ट्रांसपोर्टर से बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से COVID-19 चल रहा था उसके तहत जहाँ पे गवर्नमेंट ने कई सारे तबके के लोगों की मदद की, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स कहीं ना कहीं अभी भी पीछे रह गए। इन्होंने साफ तौर से आज के दिन यह गुहार लगाई है कि एक आईटी सेल बनाया जाए जिसमें ट्रांसपोर्टर्स भी अपनी बात जो है सरकार के आगे रख सके। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इस पर लेकर किस तरह से काम करती है। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स, वीर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ, मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।